सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और यार, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और शानदार होने वाला है। मेरी तो पहले से ही फट रही है। आज हम लोग एक हॉरर मैप खेलने वाले हैं और मुझे पता नहीं है कि मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँगा भी कि नहीं, या फिर पहले ही मेरी मौत हो जाएगी इस गेम में। और गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार। देखिए इस गेम के टेक्स्चर पैक को देखिए। डोंट फॉरगेट टेक्स्चर पैक और द गेम वोंट बी स्कैरी। मतलब कि आपको टेक्स्चर पैक डाउनलोड करके रखना है, नहीं तो गेम स्कैरी नहीं होगी। मैंने डाउनलोड कर लिया है। दिस इज़ अ हॉरर मैप, यहाँ मैंने आपको बता ही दिया। रीड द रूल्स एंड स्टोरी बिफोर यू गो। चलिए इसके पहले हम लोग स्टोरी वोरी जान लेते हैं। स्टोरी है, यू आर गोइंग टू योर होम फ्रॉम अ लॉन्ग जर्नी एंड यू स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू होम। यार, इसके टेक्स्चर पैक के कारण मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मैं पढ़ता हूँ। रियलाइज यू नीड गैस एंटिल यू गो आउट ऑफ इट। यू वेट फॉर अ कार और समवन बट नन इज़ पासिंग। यू डिसाइड लीव योर एंड स्टार्ट वॉकिंग टू फाइंड अ प्लेस और शेल्टर। मतलब यार, कहना ये चाह रहा है ना कि हम लोग कहीं रोड पे जा रहे थे, मतलब अपने घर से घर, लेकिन हम लोग का गाड़ी में तेल नहीं है, इसलिए हम लोग पैदल जाने का डिसाइड करते हैं जहाँ पे हम लोग रात बिता सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोड हो रहा है। दिस इज योर इनवॉइस इन ब्लू एंड इन गेम इज सेल्फ। गेम रूल आर सेट फॉलोइंग द पाथ। ओके, तो यार हम लोग को आई थिंक पीछे, तो हम लोग अभी यहाँ पे स्टार्ट हुए और हम लोग को अभी सीधे जाना है क्योंकि हम लोग को एक रास्ता ढूंढना है, एक घर वर। देयर आई कैन फाइंड द व्हीकल। ओके, और गाइस हम लोग के साथ स्लोनेस का आई थिंक इफेक्ट लगा हुआ है। यार मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ऑर्फनेज, ए प्लेस आई कैन स्टे टिल मॉर्निंग। मतलब यार, हम लोग को यार ये लाइट मुझे बहुत ज़्यादा डरा रही है यार। यार मुझे इस घर में जाने से पहले आप लोग का मतलब गुड लक चाहिए, तो यार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो यार मुझे तो यार बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यार अंदर कैसे जाए, यही मेरे अंदर वॉइस कह रहा है। यहाँ से तो हम लोग नहीं जा सकते हैं शायद। आई डोंट थिंक इसको तोड़ना कोई सॉल्यूशन होगा। जंप कर सकते हैं क्या हम लोग? यार हम लोग शायद यहाँ से चढ़ सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ऐसा जंप खाई से हम लोग अंदर आ गए। और मेरे हिसाब से हम लोग इस चेस्ट खाली या रखते क्यों फिर, अगर यहाँ पे खाली रखना है चेस्ट को तो। और लॉक्ड है गेट, और आई थिंक ये गेट है हम लोग का। यार इस रूम के अंदर क्या है वो जानना पड़ेगा। फिलहाल चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। चलिए, ये क्या आवाज़ था गाइस? ये क्या है? खून? क्या हम लोग का अंदर जाना सेफ रहेगा? ये खून कहाँ तक जा रहा है यार? आई डोंट थिंक हम पेड़ के अंदर खून जा रहा है। गाइस मेरे हिसाब से हम लोग को यहाँ रुकना नहीं चाहिए, हम लोग को आगे बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि हम लोग को बस एक रात का बात है। गाइस मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और यार क्या कोई होगा अंदर? लाइट क्यों बंद हो गई? नहीं बंद है। गेट खोलना चाहिए मेरे हिसाब से हम लोग को। झटपट से घुस जाने चाहिए। आई वंडर इफ हेल्प मी, ये कौन बोल रहा है? जैसा कि आप देख सकते हैं किसी का टेक्स्ट आ रहा है। हेल्प मी, सी इज टॉर्चरिंग मी। चलिए हम लोग इधर सबसे पहले चलते हैं। ओके, यहाँ पे चेस्ट है। एक चेस्ट में एक म्यूज़िक डिस्क है, एक बुक है और एक स्ट्रिंग है। सबसे पहले बुक को हम लोग, वो एम्प्टी बुक है आई थिंक। ये आवाज़ आपने सुनी? इस ब्राइटनेस लो होने के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। कैसे पूरा भूल भुलैया मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे रेड स्टोन टॉर्च लगी हुई है। रेड टॉर्च, ब्लड टॉर्च।
एक सेकंड चलिए इस गेट को खोल के देखते हैं। इस गेट को भी हम लोग को खोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे बेड रखा है, लेकिन हम लोग को बेड पे नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पे लड़की कोई मदद के लिए बुला रही थी। चलिए ऊपर चलते हैं मदद देने उस लड़की को। आपने वो आवाज़ सुनी क्या? गाइस मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पता नहीं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। पूल बालकनी, ओके तो यहाँ आप वो देख सक रहे हैं क्या? वहाँ पे लग रहा है किसी को मारा गया है। क्या हम लोग नीचे जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। और यार मैं वहाँ जाना भी नहीं चाहूँगा। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन लड़की थी जो हम लोग को मदद के लिए बुला रही थी। और ये वाला गेट नहीं खुल रहा है। चलिए हम लोग वापस चलते हैं यहाँ से। उस वाले गेट के पास हम लोग चलते हैं। ये पेंटिंग कैसी है? नो रनिंग इन द हाफ वे। गाइस आई एम स्पीचलेस। ओके तो ये वो पूल है जो हम लोग ऊपर से देख रहे थे। बहुत ज्यादा डर लग रहा है इसमें कुछ होना। इसके अंदर तो कुछ नहीं है। हेल्प मी, ये किसने लिखा है हेल्प मी? गाइस किसको मदद चाहिए हम लोग की? वो कौन है वो? नीचे करके हम डर जाते हैं यार, छोटे छोटे चीज़ों से हम डर जा रहे हैं। चलिए उधर से चलते हैं। गाइस मुझे अभी तक कोई कुछ क्लू नहीं मिला है कि हम लोग को क्या करना है। हुई क्या? कौन है? गाइस ये क्या था? क्या है ये? एक ऐसा गेट है जो खुल नहीं रहा है। यहाँ से लग रहा है किसी को मार के वहाँ तक लेके गया गया है। यहाँ पे चलिए पहले मेन हॉल में चलते हैं। पता नहीं भाई वो कौन है जिसको हम लोग की हेल्प चाहिए। गलती से मैंने वो टॉर्च तोड़ दी। चलिए इस सब रूम में पहले जाके देखते हैं। यहाँ पे ब्लड स्टेन्स हैं। ओके गाइस यहाँ पे ब्लड स्टेन है नीचे। इतने सारे डस्ट और बोन कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, आगे कुछ काम आ जाए। और यहाँ पे क्या है? गाइस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें करना क्या है। इतने सारे डस्ट, फिर से। और यहाँ पे मुझे गाइस मैं कितना ज़्यादा डर गया। आप हो सकता है माइक में आवाज़ कैसी आई होगी मुझे नहीं पता। मुझे पसीना आ रहा है बहुत जोर से। पता नहीं गाइस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और इस हवेली में थोड़ा सा टहलने के बाद ऊपर चलते हैं। गाइस पता नहीं यहाँ पे क्या है। हम थोड़ा कुसुर फुसुर कर रहे हैं।
हर एक रूम में, जिस रूम में तो हम लोग अभी गए थे। चलिए आगे वाले रूम में जाके देखते हैं, कुछ नहीं है यहाँ पे। इसको बंद कर देते हैं वापस से। ये क्या है? पूल। पूल में हम लोग अभी गए थे जहाँ पे हमें खूब सारे ब्लड स्टेन्स मिले। और ये ओके, जैसा खुला रहा है आई थिंक हम लोग को आगे चलना चाहिए। गाइस क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए इसके अंदर चलते हैं। इस चेस्ट में ऑब्वियसली कुछ नहीं है गाइस। ये चेस्ट यहाँ रखे क्यों है? अगर कुछ रखना नहीं है तो नो रनिंग द हाफ वे। यार सुबह हो गई, नहीं सुबह तो इतनी जल्दी मेरे हिसाब से नहीं होने वाली। किसी को यार हमारी हेल्प चाहिए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शायद हम लोग ऊपर गए थे तो नीचे से कैसे आ गए? एक बार वापस से ऊपर चलते हैं। मेरे हिसाब से मैं ऊपर से सही से एक्सप्लोर नहीं किया हूँ, कर नहीं पा रहा है। ये स्लकर बॉक्स में ये म्यूज़िक डिस्क लगेगा, सॉरी स्लकर बॉक्स में नहीं, वो म्यूज़िक बॉक्स, जूक बॉक्स में। यहाँ पे क्या है? इस चेस्ट में खोलते हैं। ओके तो बहुत सारी किताब और एक किताब में कुछ लिखा हुआ भी है। ये बुक एंड क्विल क्या है? चलिए देखते हैं पहले इसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा अपना नाम लिख देते हैं, ऋषि। अच्छा साइलेंट क्लोज, पता नहीं हो सकता है क्यों इसने ऐसा करवाया। ये रीड करने कुछ नहीं हुआ, छोड़िए पेपर। गैस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेबोरेटरी खुला हुआ है, हम लोग लैब में। अरे हाँ क्लासरूम टू। तो गाइस मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत ज़्यादा समय वेस्ट कर दिया है और यहाँ पे हम लोग कुछ ढूंढ नहीं पाए, लेकिन हमें बहुत सारे सामान मिला है। तो यार एक काम करते हैं, ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल ही अपलोड कर दूँगा, मतलब इस वीडियो के अगले दिन ही। तो यार उम्मीद है आपको ये वाला डरावना मतलब घर पसंद आएगा। अब हम लोग अगले एपिसोड में इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे, मतलब एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग सारे मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या मतलब प्रॉब्लम आया है कि लोगों को इतना डर लग रहा है इसमें। मतलब मेरे तो सही से शब्द भी नहीं निकल रहे। मेरे कहने का अर्थ है कि यार क्यों ये घर इतना ज़्यादा हॉन्टेड है। तो यार उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिएगा क्योंकि मैं अभी जस्ट उस पार्ट को रिकॉर्ड करूँगा। गाइस उम्मीद है मुझे आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।